की वीडियो में हम पेंट ब्रश में जो सर्टिफिकेट डिजाइन किया है उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कोर्स के सर्टिफिकेट डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले तो मैं पेंट ब्रश में अपना वो सर्टिफिकेट ओपन कर लेता हूं जो कि हमने डिजाइन किया था, मास्टर सर्टिफिकेट। मास्टर सर्टिफिकेट यहां पर डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है। इसको आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है राइट क्लिक किया आपने सर्टिफिकेट पर और ओपन विथ। ओपन विथ का मतलब ये जो इमेज है सर्टिफिकेट की, इसको आप किस सॉफ्टवेयर के साथ में ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे पेंट के साथ ओपन करना चाह रहा हूं, इसलिए ओपन विथ में जाकर मैंने पेंट पर क्लिक किया। पेंट के अलावा और कई सारे सॉफ्टवेयर यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें इस इमेज को जाकर हम देख सकते हैं या फिर इसको एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें पेंट ब्रश में जाना है। तो पेंट, तो हमारे सामने सर्टिफिकेट की इमेज ओपन होकर आ गई है। या फिर दूसरा तरीका है, मैं पेंट ब्रश को क्लोज कर रहा हूं, या दूसरा तरीका है सीधा आप पेंट ब्रश पर जाइए। ये रहा टास्क बार में पेंट ब्रश रखा हुआ है, इसको मैंने ओपन किया और सबसे ऊपर फाइल ऑप्शन में जाकर हमें मिलेगा ओपन। ओपन के लिए देखिए ओपन कंट्रोल प्लस ओ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ओपन पर या तो क्लिक कर लेंगे या फिर हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करके भी ओपन कर सकते हैं। तो हम कीबोर्ड से कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ करते ही ओपन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है और कहां पर सर्टिफिकेट रखा हुआ है उस लोकेशन पे हमें जाना है। तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो रखा हुआ है डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और ये रहा मास्टर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके ओपन, या फिर इस सर्टिफिकेट पर हम डबल क्लिक कर देंगे, इससे भी डायरेक्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर सर्टिफिकेट है। अब इसमें हमारा जो पहला स्टूडेंट है उसका सर्टिफिकेट डिजाइन करना है, सॉरी, इससे पहले हमें काम करते हैं अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग मास्टर सर्टिफिकेट डिजाइन करके रख लेते हैं। मतलब टेली के लिए अलग सर्टिफिकेट डिजाइन करके रख लेते हैं और बेसिक कंप्यूटर के लिए अलग। तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट का यूज करके एक टेली का सर्टिफिकेट डिजाइन करना चाह रहा हूं। तो सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, सिर्फ हमें टेली यहां पर मेंशन करना है। तो टेक्स्ट लिया, अटेंडेंट के आगे हमने कर्सर रखा और हमने टाइप किया, हिंदी चल रहा है, इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूं। और इंग्लिश में आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा कोई फॉन्ट ले लिया है, कैलिब्री ही ले लेते हैं हम। ठीक है, और टाइप किया TALY टैली प्राइम, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के कई सारे तरीके मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाए थे, तो मैंने कंट्रोल प्लस ए का यूज करके एक बार में सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन या ग्रेटर देन से साइज बड़ा छोटा, तो फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पर ही करके दिखा रहा हूं। तो साइज मैंने ले लिया, अभी 80 साइज दिख रहा है तो मैंने 24 ले लिया, ये थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया है। तो साइज हम ले लेते हैं 36। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कंट्रोल प्लस जेड, एस्केप करके मैं बाहर आ जाता हूं और फिर से करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, एक बार फिर से हमें करना होगा। तो टेक्स्ट सिलेक्ट किया और क्लिक किया, आपने टाइप किया TALY टैली प्राइम, कंट्रोल प्लस ए, और फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम, डायरेक्ट हम अगर यहां पर टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 36 मैंने लिया और एंटर। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूं ताकि बॉर्डर का यूज करके मैं इसे सही जगह पर अरेंज कर सकूं। तो मैंने इसको लिया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत है, तो 36 के बजाय मैं कर लेता हूं 30 और एंटर। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन का यूज करिए और इसको सही जगह पर अरेंज करिए। ठीक है, ये हो गया। कलर हम कौन सा लेना चाह रहे हैं, कलर सिलेक्ट कर लिया है और बाहर क्लिक कर देंगे तो ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसको सेव एज का यूज करके, यानी कि F12 की प्रेस करके एक अलग सर्टिफिकेट के रूप में रखना चाह रहे हैं। ये टेली प्राइम का सर्टिफिकेट अलग हो जाएगा और ऐसे बेसिक कंप्यूटर के लिए अलग। तो हमने किया F12 या फिर सबसे ऊपर फाइल मेन्यू में जाकर हमने क्लिक किया सेव एज पर। तो सेव एज पर क्लिक करते ही हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसका नाम मैं रखना चाह रहा हूं टैली सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ठीक है, और एंटर।
ठीक है, अब कंट्रोल प्लस जेड करके वापस एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, यानी कि अंडू कर लेते हैं। अब अगला सर्टिफिकेट मैं चाह रहा हूं बेसिक कंप्यूटर के लिए, तो मैंने फिर से कर्सर रखा और टाइप किया बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसको भी F12 करके एक सेपरेट सर्टिफिकेट के रूप में सेव कर दीजिए। टैली की जगह हम लिख लेते हैं यहां पर बेसिक कंप्यूटर। तो टैली को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो कीबोर्ड पर डिलीट बटन है, अगर मैं कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करूंगा तो एक बार में ही पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा, और बिना कंट्रोल के अगर मैं करता तो एक एक लेटर को डिलीट करता। ठीक है, तो अब टाइप कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर और एंटर या सेव। ठीक है, ये दो सर्टिफिकेट हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो ठीक है, डेस्कटॉप पर आकर देख लीजिए, एक ये रहा टैली सर्टिफिकेट, इसको ओपन करके देख लीजिए, ये रहा टैली प्राइम के लिए, और दूसरा सर्टिफिकेट हमारे सामने है बेसिक कंप्यूटर, इसको भी ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिक कंप्यूटर कहा गया है, बेसिक कंप्यूटर कहा गया है। अब जिन बच्चों को सर्टिफिकेट देना है उन बच्चों के पासपोर्ट साइज फोटो मैं क्रॉप करके निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास फोटोज अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास एक ग्रुप फोटो है, उस ग्रुप फोटो में से ही मैं सारे बच्चों के अलग अलग सेपरेट फोटो पासपोर्ट साइज फोटो निकालना चाहता हूं। तो पेंट ब्रश पर हम चलते हैं फिर से। चलिए, अब हम चाहते हैं कि इन सर्टिफिकेट्स पर बच्चों के नाम भी आए, मतलब जितने बच्चों के कोर्सेज हो चुके हैं उन सभी के नाम से बेसिक कंप्यूटर या टैली के अलग अलग सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने दो अलग अलग बेसिक और टैली के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट डिजाइन करके रख लिए हैं। अब सिर्फ बच्चों के नाम यहां पर हमें मेंशन करना है और F12 का यूज करके एक सेपरेट सर्टिफिकेट के रूप में सेव कर देना है। ठीक है, इसके पहले हम चाहते हैं कि उन सभी बच्चों के पासपोर्ट साइज के फोटोज निकाल लिए जाएं। अब फोटोज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मेरे पास एक ग्रुप फोटो है बच्चों का, तो उस ग्रुप फोटो से ही मैं उन सारे बच्चों के फोटोज क्रॉप करके निकालने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं ओपन में, सबसे ऊपर फाइल मेनू है, या फिर कंट्रोल प्लस ओ करके भी हम जा सकते हैं, ओपन, और बच्चों का फोटो है फोटोज नाम के इस फोल्डर में, तो आपने डबल क्लिक करके इस फोटोज फोल्डर को ओपन किया, और कहां पर है फोटो आपने उसे ढूंढा, ये रहा, सिलेक्ट किया और ओपन, या फिर हम इसे डबल क्लिक करेंगे इससे भी डायरेक्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने ये बच्चों का एक ग्रुप फोटो है, इसमें से ही मैं पासपोर्ट साइज फोटो निकालना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट टूल लिया, और सबसे पहला स्टूडेंट कौन है उसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके क्रॉप, जैसे हम मोबाइल में क्रॉप करते हैं बस वैसे ही क्रॉप यहां पर भी है, तो क्रॉप पर क्लिक करते ही एक फोटो क्रॉप होकर आ गया है। ठीक है, अब इस बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो हमें F12 का यूज करके एक सेपरेट पासपोर्ट साइज फोटो के रूप में सेव करना है। अगर हमने कंट्रोल प्लस एस किया तो ओरिजिनल जो पिक्चर है, ग्रुप फोटो है, उसमें इतना इस बच्चे की फोटो का इतना सा हिस्सा सेव हो जाएगा, तो हमें कंट्रोल प्लस एस करके सेव नहीं करना है, F12 करके इतना हिस्सा सेपरेट करना है। तो हमने कीबोर्ड से प्रेस किया F12, या फिर सबसे ऊपर फाइल मेनू में हमें मिलता है सेव एज, इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है, और इस बच्चे का नाम है स्नेहा गुप्ता, और एंटर करके सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस जेड यानी कि अंडू करके एक स्टेप पीछे आ गए। अब ओरिजिनल फोटो हमारे सामने है, फिर से हमने सिलेक्ट टूल लिया, सिलेक्ट ऑलरेडी एक्टिव है, और दूसरे स्टूडेंट का एक छोटा सा हिस्सा आपने सिलेक्ट किया और क्रॉप, तो ये एक और हिस्सा निकला है F12 मतलब सेव एज, इसका नाम है पूनम शर्मा, और एंटर या सेव पर आपने क्लिक कर दिया, कंट्रोल प्लस जेड फिर से आ गए हैं। अगले स्टूडेंट के लिए आपने फिर से सिलेक्ट टूल का यूज करके सिलेक्ट किया क्रॉप और F12, इसका नाम है रोशनी मुजालदे, और एंटर करके आपने सेव कर दिया। ठीक है, तो हमने कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट्स यहां पर निकाल लिए हैं, सॉरी
पासपोर्ट साइज फोटो हमने निकाल लिए हैं F12 का यूज करके, तो हमारा ओरिजिनल जो पिक्चर है, ग्रुप फोटो है, वो भी सुरक्षित है। और इसी ग्रुप में से आपने अलग 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 पासपोर्ट साइज फोटो बच्चों के निकाले हैं क्रॉप करके, तो वो बच्चों के पासपोर्ट साइज फोटो भी अलग हो चुके हैं। अब मैं पासपोर्ट साइज फोटो को थोड़ा सा और सुंदर दिखाना चाह रहा हूँ, चारों ओर बॉर्डर भी मैं चाहता हूँ बच्चों की फोटो में रहे, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर को बॉर्डर के साथ में एक इमेज डिजाइन करके रख लेता हूँ, ताकि उसमें बच्चों के पासपोर्ट साइज फोटो में अरेंज करूं और फोटो अच्छी लगे। तो इसके लिए हम करते हैं न्यू यानी कि कंट्रोल प्लस एन, या फिर न्यू पर अगर हमने क्लिक किया, ठीक है, डोंट सेव। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि पासपोर्ट साइज फोटो ठीक से आ सके, ठीक है, और जरूरत के हिसाब से कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अगर आप करते हैं तो जूम इन हो जाएगा और आपको काम करने में आसानी होगी। अब बॉर्डर बनाने के लिए मैं चलता हूं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करने, सिलेक्ट किया, बॉर्डर की आउटलाइन मोटी में चाह रहा हूं तो लिया, और एक कॉर्नर से आपने माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबा के ड्रैग किया तो एक शेप डिजाइन हो जाएगी बॉर्डर, ठीक है। अगर आवश्यकता लग रही है तो कीबोर्ड पे चार एरो की है, चार एरो की का यूज करके आगे पीछे या ऊपर नीचे आसानी से ले जा सकते हैं ताकि बॉर्डर अच्छी लगे। अब कंट्रोल प्लस एस करके इसे कर देते हैं सेव। पहली बार अगर कोई फोटो सेव की जा रही है तो सेव एज ही आएगा, सेव एज का मतलब फाइल को सेव करने के लिए, मतलब नाम पूछने के लिए आता है कि इस फाइल को अगर मैं सेव करूं तो किस नाम से करूं, ठीक है, तो कंप्यूटर आपसे नाम पूछने के लिए आया है और हमेशा इसलिए सेव एज आएगा। सेव एज में आपको फाइल नेम में जाकर इसका नाम रख देना है, तो इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, एबीसीडी में रख देता हूं और एंटर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों के पासपोर्ट साइज फोटो लाकर मुझे रखना है, तो इसके लिए मैं चलता हूं पेस्ट फ्रॉम में, पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन है, वहां पर आपको मिलेगा पेस्ट फ्रॉम, तो पेस्ट फ्रॉम सबसे पहले बच्चे का पिक्चर कहां पर है उसे ढूंढते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये पेस्ट फ्रॉम का जो डायलॉग बॉक्स है ये थोड़ा सा फुल स्क्रीन दिखाई दे ताकि मुझे फोटो को ढूंढने में आसानी हो, तो सबसे ऊपर जहां पर इस डायलॉग बॉक्स का नाम लिखा हुआ है उस ऊपर वाली पट्टी में कहीं पर भी आप डबल क्लिक कर देंगे तो पेस्ट फ्रॉम का ये डायलॉग बॉक्स फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब सबसे पहले बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये रहा स्नेहा, स्नेहा के फोटो पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये फोटो हमारे सामने आ चुकी है। इसको सही जगह पर आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब चार एरो कीज से थोड़ा सा राइट लेफ्ट अगर ले जाने की आवश्यकता हो तो आपने किया, और चारों ओर जो पॉइंट दिख रहे हैं उनमें से किसी भी एक पॉइंट को आपको पकड़ना है, जैसे कि राइट हैंड साइड वाले पॉइंट को हमने माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से पकड़ के ड्रैग किया और फोटो को सेट कर लिया, ठीक है। अब स्नेहा की इस फोटो को मैं अलग सेपरेट करके रखना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैंने F12 किया फिर से, स्नेहा गुप्ता और एंटर, तो ये रिप्लेस करने के लिए कह रहा है, तो मैं एस्केप बटन दबा के इसे हटाऊंगा या फिर नो पर क्लिक कर दूंगा। रिप्लेस करने का इसलिए कह रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्नेहा गुप्ता नाम से एक पिक्चर सेव है, एक फाइल है, और हम दोबारा इसी नाम से करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर कह रहा है कि एक लोकेशन पर एक ही नाम की सिर्फ एक फाइल हो सकती है, अगर दूसरी फाइल आप लेकर जाएंगे तो पहली को वो हटा देगा, तो इसीलिए एक डायलॉग बॉक्स आकर पूछ रहा था कि स्नेहा गुप्ता .png ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि स्नेहा गुप्ता .png नाम की फाइल इस लोकेशन पर ऑलरेडी है, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, क्या उसे हटाकर इस नई पिक्चर को रखना चाह रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो यस करके पुरानी फोटो को हटाकर नई फोटो रख देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे नो करते हैं और मैं इसका नाम रख देता हूं स्नेहा गुप्ता 1 और इंटर करके सेव, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करके अंडू करते हैं और एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। अब पेस्ट फ्रॉम में जाकर अगले स्टूडेंट की पिक्चर हम लेकर आते हैं, देखिए स्नेहा गुप्ता और स्नेहा गुप्ता 1 दो अलग अलग है। अब अगले स्टूडेंट की फोटो हम लेते हैं रोशनी मुजाल दे, डबल क्लिक करके इसको आपने ओपन किया और इसे सही जगह पर अरेंज किया, ठीक है, F12 यानी कि सेव एज और रोशनी मुजाल दे 1 और इंटर, कंट्रोल प्लस जेड, अगले स्टूडेंट की पिक्चर लेकर आते हैं पेस्ट फ्रॉम, और अगले बच्चे की फोटो है ये रही पूनम शर्मा, डबल क्लिक करके इसको ओपन किया आपने, ठीक है, इसको भी आपने सही जगह पर अरेंज किया,
और ठीक है F12 पूनम शर्मा 1 और एंटर। ठीक है, तो ये हमने पासपोर्ट साइज फोटो पर आउटलाइन लगा दी है, एक बॉर्डर क्रिएट कर दी है ताकि फोटो अच्छी लगे। अब हम चलते हैं हमारे सर्टिफिकेट पर, इन सभी बच्चों के नाम से अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, राइट क्लिक और ओपन विथ। ओपन विथ मतलब आप किस सॉफ्टवेयर में इस पिक्चर को या इस इमेज को यानी कि सर्टिफिकेट को ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमें पेंट ब्रश में ओपन करना है, तो पेंट पर क्लिक किया, ठीक है ये आ गया। सबसे पहले हम चलते हैं पेस्ट फ्रॉम में, पेस्ट फ्रॉम, और सबसे पहला स्टूडेंट कौन है इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं। पेस्ट फ्रॉम वाली पट्टी पे आप डबल क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा फुल स्क्रीन। हमारा जो फोटो है वो कहां पर रखा हुआ है, डेस्कटॉप पर, फोटोज नाम का ये फोल्डर है, यहां पर फोटोज रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टूडेंट है स्नेहा गुप्ता, इसको आपने डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया तो फोटो हमारे सामने है। अब रिसाइज ऑप्शन का यूज करके इसे साइज में छोटा करना है, तो रिसाइज में जाएंगे और 100 की जगह पर हम यहां पर लेते हैं 30 और ओके, ठीक है, या फिर एंटर कर देंगे। ये फोटो का साइज चेंज हो गया है, अब इसे सही जगह पर आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये फोटो हमने अरेंज कर दिया। अब इस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हमें यहां पर फीड करना है, जैसे उसका नाम और कब से कब तक उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो टेक्स्ट हमने लिया और यहां पर उसका नाम चाहिए होगा तो हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया। फॉन्ट साइज में लेता हूं यहां पर 28 और एंटर, ठीक है, नेहा गुप्ता, और इसे सही जगह पर आपको ले चलना है अरेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं स्नेहा गुप्ता डॉटर ऑफ राधेश्याम, ठीक है, बाहर क्लिक करते ही ये सेट हो गया। अब कोर्स ड्यूरिंग, कब से कब तक इनकी क्लासेस चलती रही, तो आपको यहां पर डेट स्पेसिफाई करना है। ठीक है, इनकी क्लासेस चली है 22/7/2021 से। फोन साइज छोटा करते हैं, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, और फोन साइज हम ले लेते हैं, क्या ले लें, 20 ले लेते हैं, ठीक है ये परफेक्ट साइज है। इसे सही जगह पर आपको अरेंज करना है। स्पेस बार का यूज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कब तक चली है इनकी क्लासेस, 22/10/2021, ठीक है, 22/7/2021 से 22/10/2021 को इनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे F12 की का यूज करके एक सेपरेट फाइल ग्रुप में सेव करते हैं, यहां गुप्ता 1 नाम से सेव कर देते हैं, और इस नाम से ऑलरेडी एक फाइल है जो कि हमारे काम की नहीं है तो उसे मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो रिप्लेस किया यस। अब कंट्रोल प्लस जेड 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 से अनडू करते हैं और एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अब अगले स्टूडेंट की फोटो लेकर आते हैं पेस्ट फ्रॉम। अगले स्टूडेंट का नाम है रोशनी मुजालदे, ठीक है, इसका भी साइज हमें छोटा करना है, रिसाइज साइज लेना है 30 और एंटर। इसे भी सही जगह पर आपको अरेंज करना है, ये हो गया। अब इसका नाम हम टाइप करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स लिया, रोशनी मुजालदे, स्पेस बार, फादर नेम गणेश। अब पीरियड लेना है तो फिर से आपने टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके रखा, इनका कोर्स भी था 22/7/2021 से लेकर 22/10/2021। अब देखिए जितने भी सर्टिफिकेट है सभी के लिए मुझे बार बार ये डेट लेना पड़ रही है, टाइप करना पड़ रही है, तो
तो बार बार अगर मुझे यही डेट लेना है तो कंट्रोल प्लस ए यानी कि सिलेक्ट ऑल करूंगा, कंट्रोल प्लस सी यानी कि कॉपी, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करके रख दूंगा, तो मुझे बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया है। अब एफ ट्वेल्व करके इसे कर देते हैं सेव। रोशनी मुचाल दे, ठीक है, इसको भी कर देते हैं प्लस कंट्रोल प्लस जेड जेड जेड। अब अगले स्टूडेंट की फोटो लेकर आते हैं, पेस्ट फ्रॉम पूनम शर्मा, डबल क्लिक से इसे हमने ओपन कर लिया है, और साइज चेंज करते हैं, रिसाइज, साइज ले लेते हैं 30 और एंटर। इसे भी सही जगह पर अरेंज करना है आपको। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हमने टाइप किया पूनम शर्मा स्पेस, ठीक है, इनके पिताजी का नाम है गोपाल, और टेक्स्ट बॉक्स को सही जगह पर आपको अरेंज करना है। उसके बाद डेट यहां पर हमें चाहिए, तो डेट हमने आपको याद होगा कॉपी किया था, और अब यहां पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी, तो वही डेट यहां पर आ जाएगी जो हमने लास्ट टाइम कॉपी की थी। ठीक है, अब इसे सही जगह पर अरेंज कर लीजिए बस। तो देखिए आपको दोबारा डेट को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब एफ ट्वेल्व यानी कि सेव एज करते हैं, और पूनम शर्मा इंटर, और इसे भी रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीन बच्चों के बेसिक कंप्यूटर के सर्टिफिकेट तैयार हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स के लिए हमें सर्टिफिकेट तैयार करना है, हमारे मास्टर सर्टिफिकेट में, ब्लैंक सर्टिफिकेट में, एक एक करके सारे बच्चों की डिटेल्स को फीड करते जाना है और एफ ट्वेल्व से सेव करते जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एडवांस लेवल की कुछ चीजें करेंगे पेंट ब्रश में, जैसे कि अगले वीडियो में मैं आपको एक हार्ड कॉपी वीडियो गेम बनाना सिखाऊंगा, काफी मजेदार होगा। ठीक है, धन्यवाद।